मंत्री कल्याण सिंह जी द्वारा काशीपुर न्याय पंचायत के ग्रामीण अंचल के लोगों को चिकित्सा बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए बनाया गया था। यहाँ के बारे में कई बार आला अधिकारियों से, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुका हूँ कि इस चिकित्सालय में चिकित्सक आते ही नहीं, चिकित्सक विहीन यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलता है। जो जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटा सुविधा मिलनी चाहिए वहाँ पर कभी चिकित्सक नहीं रहते हैं, और वर्तमान में तो आप देख सकते हैं कि रोज यहाँ पर 2 बजे के बाद में ताला जड़ दिया जाता है। यहाँ अगर रात में ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो एक इनके पास तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का भी कर्मचारी हॉस्पिटल में रहने वाला नहीं है। आगे हम यहाँ के विकास कार्यों की गुणवत्ता दिखाते हैं, आप आ जाइए, आप देखेंगे इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशीपुर है और इधर ये सब काशीपुर स्वास्थ्य केंद्र का ही परिसर है जहाँ पर मौके पर सार्वजनिक शौचालय बन रहा है जिसकी गुणवत्ता को आप देख सकते हैं। ये काशीपुर स्वास्थ्य केंद्र में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय है। मैंने इसके पूर्व भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा इसके पूर्व भी मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम ज्योत में शौचालय निर्माण हो या डॉक्टरों के आवास का निर्माण हो या साफ सफाई की अनियमितता को दिखा चुका हूँ। मैंने जिलाधिकारी कार्यालय को पिछले तहसील दिवस में शिकायत करके बताया भी था कि किस तरीके से शौचालय निर्माण में घोटाला किया जा रहा है, थर्ड क्वालिटी के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जाँच नहीं हुआ, ऊपर से उन ईंटों को छिपाने के लिए प्लास्टर कर दिया गया। यहाँ पर भी योगी जी की सरकार में आप ईंटों की क्वालिटी देख लीजिए, ये है जीरो टॉलरेंस, ये है इनका विकास। इस भ्रष्टाचार के पीछे सिर्फ ठेकेदार, स्थानीय कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं कि इसमें आला अधिकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास योजनाओं को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिकायत के बावजूद उच्चाधिकारी इतने भारी पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि सब के सब मिले हुए हैं, अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, कर्मचारी हों, सब लोग मिलकर के सिर्फ मलाई काट रहे हैं। जनता त्रस्त है, अधिकारी जनप्रतिनिधि मस्त हैं।